हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस मास्क जो कि आपके स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ढीली हो गई है या सैग कर रही है, तो ये जो फेस मास्क है ये आपके स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प करने वाला है। स्किन को टाइट करेगा, फर्म बनाएगा। अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है तो इसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ये फेस मास्क है और किस तरह से इसे लगाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस टाइटनिंग फेस मास्क को बनाने की सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए एग, यानी कि अंडा। तो हम यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबको पता है अंडा जो है वो टाइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग का यूज़ नहीं करते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूँगी इसका सब्स्टिट्यूट आप क्या यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो स्किन है वो काफ़ी अच्छे से टाइट हो सके, फर्म हो सके। यहाँ पे हम पूरा एक एग लेने वाले हैं, यानी कि वाइट और येलो पार्ट एग का जो होता है वो दोनों लेंगे। यूजुअली हम जो है वाइट पार्ट ही यूज़ करते हैं, बट अभी विंटर है तो इसलिए हम यहाँ पे येलो पार्ट भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो एग का येलो पार्ट होता है वो मोस्टली वाटर और फैट से मिलके बना होता है, जिसकी वजह से ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, नरिश रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। अगर आपकी स्किन विंटर में बहुत डल पड़ जाती है तो एक योक के साथ एक वाइट दोनों को एक साथ यूज़ कीजिएगा। समर में यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ एक वाइट ले सकते हैं। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जब आप इसे उठाएं तो ये टूटे ना, यानी कि ये जो फेस पैक है जब आप इसे लगाएं तो ये टूटना नहीं चाहिए, बीच बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने एग को लिया था इसे बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, तो फोक की हेल्प से मैंने मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। तो कुछ इस तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फेस पैक है इस फेस पैक का रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो हम सेकेंड अपना इन्ग्रीडियंट लेने वाले हैं वो है हमारा कॉफ़ी। तो कॉफ़ी यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। कॉफ़ी आप सबको पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, आपके स्किन को टाइटन अप भी करता है और लाइटन करने में भी हेल्प करता है और स्किन को स्क्रब भी करता है। तो 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी लिया था और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना एग ऐड कर दिया है। और जो बाकी बचा एग है आप इसे चाहे तो अपने हेयर पैक में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इससे पूरा फेस पैक बना के एक साथ रख सकते हैं। 3 से 4 दिन ये आपका फेस पैक चल जाएगा। अब इन दोनों को फिर से मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, तो आपको भी इस तरह से ऐड करना है, एक एक करके डालते जाइएगा और इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा। जितने अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे और ब्लेंड करेंगे इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा आता है। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हनी। तो हनी जो हम ऐड करेंगे वो भी हम यहाँ पर अराउंड 1 टीस्पून जितना ही ऐड करेंगे। फिर से यहाँ पे मैंने इसे मिक्स किया है, आप देख सकते हैं मैं बार बार इसे मिक्स कर रही हूँ। जितना आप मिक्स करेंगे उतना रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एग की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती है, बट यहाँ पे हमने कॉफ़ी मिक्स किया है, इससे आपको एग की स्मेल नहीं आएगी। बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे आपको 3 से 4 ड्रॉप लेमन जूस ऐड कर देना है, इससे आपको एग की स्मेल नहीं आएगी। अगर आपको सूट नहीं करता है लेमन जूस, आप इसे स्किप कर सकते हैं। कॉफ़ी की वजह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, एक का इसमें से कोई भी स्मेल आपको नहीं आने वाला है, तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 ड्रॉप ले लिया है लेमन जूस और इन सब को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फेस पैक है ये बनके रेडी हो गया है। गाइस, ये जो फेस पैक है इसे आप चाहे तो अपने पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। अगर आपकी हाथों की स्किन ढीली पड़ चुकी है या फिर आपको लगता है कि आपके नेक की या फिर आपके बैक की स्किन बहुत ढीली पड़ गई है, तो आप इसे पूरे बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपका ये जो पैक है ये बनके रेडी हो गया। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं अपने फेस। तो यहाँ पे हमारा पैक जो है वो बनके रेडी हो गया है। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। अब इसे लगाने का तरीका ये है कि आपको इसे नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगा सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं यहाँ पे हाथों से लगा रही हूँ। तो इसे इस तरह से लगाना, आप देख सकते हैं, इसे ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है ताकि ये आपके स्किन को टाइटन अप करे, स्किन को ऊपर की तरफ खींचे, जिससे कि आपकी जो स्किन सैग कर रही है या ढीली पड़ रही है वो अपलिफ्ट हो पाए। तो इस तरह से इसे पूरे अपने फेस पे लगाइएगा। तो आपको अपने गालों पे कुछ इस तरह से ही लगाना है, ऊपर अपर डायरेक्शन में इस तरह से।
तो यहाँ चिन एरिया में कुछ इस तरह से लगाइएगा। अब हम लगाने वाले हैं इसे अपने फॉरहेड पे। तो फॉरहेड पे जो लगाने का तरीका वो ये है कि इसे भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है और साइड्स में कुछ इस तरह से। तो मिडल में आप कुछ इस तरह से लगाएंगे ऊपर करके, ताकि जो आपकी स्किन है वो लूज़ ना हो, ढीली ना हो, और साइड में आपको कुछ इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। तो गाइस ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक 5 से 10 मिनट में सूख जाता है। इसके बाद आप चाहें तो एक और लेयर इसकी लगा सकते हैं, जो बच जाता है उसे एक और लेयर इसके ऊपर से लगा लीजिए, फिर से 5 से 10 मिनट इसे छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए, उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर लगा लिया है। अब जो हमारा पैक बच गया है, इसे मैं अपने नेक पे लगा रही हूँ। इसे आप नेक पे लगा सकते हैं, अपने पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं। तो नेक पे भी इसे इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइएगा, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। आप इसे वीक में 3 दिन यूज़ कीजिएगा, हर अल्टरनेट डे पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और 10 दिन में ही आपको इसका फ़र्क दिखने लगेगा। तो इस तरह से आपको इसे लगा लेना है, और उसको लगाने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से ही वॉश कीजिएगा। कोई भी फेस पैक या फिर फेस मास्क इसके बाद आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फेस वॉश यूज़ मत कीजिएगा, नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लीजिएगा। तरह से लगा के इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने एग यूज़ किया है। अब जो एग यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए, वो यहाँ पे फ्लेक्सीड होता है, फ्लेक्सीड जेल आप ले लीजिए, वो उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है, तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो जाएगा आपका। आप फ्लेक्सीड का जेल लेके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, अब फेस वॉश करके आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने फेस को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, फर्म दिख रही है, सॉफ्ट दिख रही है, सपल दिख रही है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। और विंटर में आप एग योक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बिना एग योक के इस्तेमाल मत कीजिएगा, आपकी स्किन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।